रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ऑल द नंबर्स दैट डिवाइड अ नंबर कम्प्लीटली दैट इज विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। वो तमाम नंबर जो एक रकम को पूरी तरह तकसीम करते हैं उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे 24 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो ये 24 के मल्टीपल नंबर्स हैं। तो हम फैक्टर कैसे मालूम कर सकते हैं? फैक्टर ट्री क्रिएट करने से हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स मालूम करते हैं। इसका बहुत आसान सा तरीका है कि आप राइट द नंबर एट द टॉप ऑफ योर पेपर। अपने पेपर के ऊपर नंबर लिखें जिसके आपने प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं और फिर उसके नीचे दो लाइनें लगाएं। जैसे 24 के नीचे दो लाइनें लगी हैं तो आप डायगोनल लाइन से टेढ़ी लाइनें लगाएं। उसके बाद आप जो है दो फैक्टर लें जिनका हासिल ज़रब असल नंबर के बराबर हो। फाइंड अ पेयर ऑफ फैक्टर्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर मस्ट इक्वल योर ओरिजिनल नंबर। जैसे इसमें हमने 2 और 12 लिए हैं जो 24 के बराबर है। अब हमने 2 तो मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, लेकिन हम 12 को फिर ब्रेक डाउन करेंगे 6 और 2 में, क्योंकि 6 को 2 से ज़रब दें तो 12 जवाब आता है। अब हम फिर 6 को 6 नंबर को फिर 2 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे 2 और 3। तो अब 3 और 2 मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये हमने फैक्टर ट्री क्रिएट किया। तो 24 ये जो दायरों के अंदर नंबर हैं ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 × 2 × 2 इज़ इक्वल टू 3। तो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी के भी असूल बनाओ अपने आप को। ज़ाती डिसिप्लिन, ज़ाती नज़्म व ज़ब्त जो है वो एक जादू की छड़ी है जो आपके रास्ते की हर रुकावट को दूर कर देगी। अपने आप को असूलों का पाबंद बनाओ। सुबह उठना और शाम को जल्दी सोना, और अपने आप को नमाजों की पाबंदी के साथ अपना सोना जागना बनाएं। वक्त का इंतज़ार ना करें। जब आपको एहसास हो जाए, अपने आप को तब्दील करने में संवारने में लग जाएं। रोज़ का काम रोज़, रोज़ की सबक रोज़ याद करें। और अल्लाह ताला जो है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। आप दुआ करें और अपने मेहनत से अपना काम करने में जुट जाएं और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, क्योंकि सीधा रास्ता यही है। और कुरान मजीद को रोज़ तर्जमे के साथ पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, अपने अखलाक और किरदार को संवारें और स्कूल का काम रोज़ करें। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने मैथ की प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। तो HCF जो है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। वो हिंसा जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को तकसीम कर सके। HCF इज़ आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट HCF। हमने कैसे HCF फाइंड करना है? टू फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमने जो है फैक्टर ट्री बनाना सीख लिया। जैसे 8 और 12 का हम HCF मालूम करना चाहते हैं तो हमने इनकी फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टर्स को ऊपर नीचे लिख लिया। एक लाइन में 8 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 1 में 12 में। अब हमने कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनको एन सर्कल किया है और ये हमारे पास 2 × 2 आए हैं और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 4 है। तो इसका मतलब है कि HCF जो है 8 और 12 का वो 4 है। उसके बाद हम अगली एग्जाम्पल लेते हैं। अगली एग्जाम्पल में हमारे पास 2 नंबर हैं और वो कौन से हैं? 24 और 40। तो सबसे पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। हम ये ट्री बनाएंगे और इससे हमें प्राइम फैक्टर्स पता चल जाएंगे। वो प्राइम फैक्टर्स जो हैं हमने इसके आगे 24 और 40 के आगे लिख लिए। अब हमने अगला स्टेप ये करना है कि इनमें से देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हमने उनको लिख लिया और अब हम इनकी जो प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर्स की वो हमारा HCF हो जाएगा। जैसे 2 × 2 × 2 इज़ इक्वल टू 8। तो HCF ऑफ 24 एंड 40 इज़ इक्वल टू 8
HCF जो है वो 8 के बराबर है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने 3 नंबर का HCF मालूम करना है, और वो 3 नंबर कौन से हैं हमारे पास, 16, 24 और 48, 16, 24 एंड 48। हम 24 का ट्री बना चुके हैं, 16 और 48 का अब हमने बना लिया, और अब हम इनको इस तरह तरतीब में लिखेंगे, 16, 24 और 48 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर्स को एन सर्कल करेंगे, और इसमें से जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं जो वो हैं 2 × 2 × 2, और इनकी जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स है वो 8 है। तो इस तरह हमने HCF 16, 24 और 48 जो है वो 8 के बराबर है। तो ये समरी है, पेयरिंग प्राइम फैक्टर्स, स्टेप टू फॉलो, लिस्ट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर। उम्मीद है आज आपको लेसन की समझ भी आई होगी, पसंद भी आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।